दोस्तों, जब आपको ख़रीदना होता है नया कंप्यूटर या लैपटॉप, या फिर चढ़ाना होता है अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर रैम, तो सबसे पहले जो आपको कन्फ्यूजन करता है वो क्या होता है कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, ये रैम में क्या चक्कर होता है, ये DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 आखिर में होता क्या है। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं और आपका ये कन्फ्यूजन भी बहुत ही जल्द है वो दूर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इनका क्या काम, रैम DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4, इन रैम का काम क्या होता है और इनमें सबसे बेहतरीन कौन होती है, तो मैं सिंपल शब्दों में आपको एकदम इजी वे में बताना चाहूँ तो आपको बता दूं कि DDR1 से बेहतर होती है DDR2। क्यों होती है वो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 ये सब रैम के जनरेशन होते हैं, तो बहुत सारे लोग जनरेशन को लेके भी कन्फ्यूजन रखते हैं। तो समय को देखते हुए, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे डिमांड के हिसाब से रैम की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है और उनको जनरेशन के हिसाब से वो डिवाइड कर रहे हैं। इनमें जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिनकी मदद से रैम या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनती है, तो उनमें ट्रांजिस्टर की फिजिकल जो साइज होता है वो साइज क्या होता है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है उस ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है। तो ये DDR1, DDR2 और DDR3 और DDR4, तो जो रैम है, जैसे DDR1 है उसमें ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे ही DDR2 आई उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनके साइज है वो DDR1 की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, तो वैसे ही DDR3 और DDR4 में होता है। तो इनमें ट्रांजिस्टर को छोटा कर दिया जाता है, मतलब कि DDR1 और DDR2 में ट्रांजिस्टर है वो DDR2 में ट्रांजिस्टर है वो DDR1 की तुलना में DDR2 में छोटा होता है और DDR4 में DDR3 से छोटा ट्रांजिस्टर लगा होता है। और अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होता जाता है, तो जैसे जैसे जनरेशन है वो बढ़ती जाती है रैम की, वैसे वैसे उसको चलाने के लिए पावर कम चाहिए और पावर के साथ साथ है उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन रैम को सिर्फ DDR के हिसाब से नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसमें DDR के बाद भी एक स्टैंडर्ड नेम जुड़ा होता है जिसके हिसाब से हम रैम के काम करने की क्षमता को अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं जिस स्टैंडर्ड के नाम के हिसाब से रैम का क्या है डाटा ट्रांसफर रेट, तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, तो स्क्रीन पे आप देखिए और समझिए। तो डाटा जो ट्रांसफर की जो रेट होती है वो DDR1 रैम की DDR200 रैम होती है उसको 1600 MB प्रति सेकेंड होती है। बात करें DDR 266 की, तब उसके अंदर 2100 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की रेट होती है। बात करें DDR 333 की, तो उसकी जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसफर करने की 2700 MB पर सेकेंड होती है। बात करें DDR 400 की, तब उसके अंदर डाटा जो ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है वो 3200 MB पर सेकेंड होती है, DDR 400 की बात करें तो। अब बात करें DDR2, तो DDR2 के अंदर यदि हम लोग बात करें डाटा ट्रांसफर करने की, तो सेम प्रोसेसर है DDR 400 के अंदर 3200 MB पर सेकेंड डाटा है वो ट्रांसफर होगा। बात करें DDR2 की 533 की, तब उसके अंदर 4266 MB पर सेकेंड डाटा है वो ट्रांसफर होगा। बात करें DDR2 667 के, तब 5333 MB पर सेकेंड स्पीड होती है। बात करें DDR2 800 की, तब उसके अंदर 6400 MB प्रति सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। बात करें DDR2 1066 की, तब उसके अंदर 8533 MB प्रति सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है। बात करें DDR3 800 की, तो उसके अंदर 6400 MB प्रति सेकेंड होती है। बात करें DDR3 1066 की, तब उसके अंदर 8533 MB प्रति सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है। बात करें DDR3 1333 की, तब उसके अंदर 10667 MB प्रति सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होती है। बात करें DDR3 1600 की, तब उसके अंदर डाटा 12800 MB प्रति सेकेंड डाटा ट्रांसफर करने की
कैपेसिटी होती है। अब सवाल आता है कि डाटा ट्रांसफर रेट क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डाटा ट्रांसफर रेट 6400 MB प्रति सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि रैम जो है वो हार्ड डिस्क से डेटा को सीपीयू में भेजना है तो वो 6400 MB डाटा का लेन देन कर सकता है। और इसी हिसाब से आप जिस स्टैंडर्ड नेम के रैम लेते हो उसी में उसी हिसाब से डेटा है वो उस हिसाब से डेटा है वो ट्रांसफर होता है। अगर आप चाहें कि जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में DDR1 का रैम लगा है तो उसमें DDR2 का लगा दे तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि DDR1 का जो स्लॉट रैम का बना होता है या बना रहता है वहाँ और DDR2 का अलग रहता है, और इसी प्रकार से DDR3 और DDR4 रैम का भी जो स्लॉट होता है वो अलग रहता है। डाटा ट्रांसफर करने की इसमें आप सिर्फ डाटा ट्रांसफर करने की रेट को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया था। DDR1 के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अभी मैंने बताए थे क्रम से, तो उनके हिसाब से आप है वो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन DDR1 की जगह DDR2 रैम है वो अपने PC में या लैपटॉप में नहीं लगा सकते, तो उसमें आप रैम है वो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो पहले DDR1 रैम है वो मान लो कि डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है वो 1600 MB प्रति सेकंड है, तो उसको आप 1600 की जगह 3200 MB प्रति सेकंड भी कर सकते हो, लेकिन रैम है वो DDR1 ही रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शायद आपको अब DDR को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल है, आपको हेल्प मिल रही है, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी डाउट रहता है या रैम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई है वो जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ, यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।